डिमांड वाले चैप्टर में से हम लोग अभी तक कवर क्या क्या कर चुके हैं, हम लोगों ने किया कि डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, ये सब हमने किया, राइट। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये दो अलग अलग बातें हैं, चेंज इन डिमांड एक अलग बात है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक अलग बात है, ठीक है। चेंज इन डिमांड को हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं, जबकि इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है। ये होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चेंज इन डिमांड होता है, जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग किया था ना उसमें, और प्राइस की वजह से ये होता है ड्यू टू प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है ना, ये प्राइस की वजह से हो रहा है। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज ड्यू टू प्राइस, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड होगी या डिक्रीज इन डिमांड होगी, जबकि यहां हम कहते हैं या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कैसे वर्क करते हैं, अभी सारी चीजें इसको हम टर्न बाय टर्न करते हैं। जैसे कि हमने कहा ये प्राइस है 10 रुपीज एंड 12 रुपीज, ये प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी है। हमारी क्वांटिटी पहले 100 थी और प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्वांटिटी कम नहीं हुई, ठीक है। ऐसे ही क्यों, क्योंकि इनकम पहले शायद 1000 रुपए थी और अब वो इनकम 1500 हो गई। पहले इनकम हमारी बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइस सेम रहा फिर भी हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई, समझे। दो केसेस हैं, यहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ बट सेम क्वांटिटी रह गई, यहां पर प्राइस सेम रहा फिर भी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि प्राइस से वो उस पर इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है, प्राइस उसका डिटरमिनिंग फैक्टर ही नहीं है, उसका डिटरमिनिंग फैक्टर है इनकम, ठीक है, इधर पढ़ा रही हूं मैं, उसका डिटरमिनिंग फैक्टर है इनकम। तो इसलिए हम ये कहते हैं दिस केस इज इंक्रीज इन डिमांड,
दिस केस इज इंक्रीज इन डिमांड। इसको डायग्रामेटिकली अगर मैं बनाऊं, ये हमारे पास प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये मेरे पास डी है और ये मेरे पास डी वन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों केसेस की। पहला केस क्या था, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस पी वन से पी टू पे गया, प्राइस पी वन से पी टू पर आया लेकिन क्वांटिटी क्यू वन ही रह गई। ठीक है ना, पहले वाला केस क्लियर हुआ कि हमारा प्राइस पी वन से पी टू पे गया लेकिन क्वांटिटी सेम रही। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं ए बी, यानी कि ये केस हो गया ए टू बी। ठीक है, दूसरा केस प्राइस सेम रहा सी, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस सेम रहा पी वन लेकिन क्वांटिटी क्यू वन से क्यू टू पर आ गई, बेसिकली ओ क्यू वन से ओ क्यू वन से ओ क्यू टू पर आ गई। यानी कि पहले यूं गया था और अब ये ऐसे आ गया ए टू सी, समझे? Yes. तो ये इंक्रीज हो गई। पहला केस क्या रहा कि हमारी प्राइस बढ़ा लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में कोई कमी नहीं आई, जबकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड शुड डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि नेसेसिटी की बात ही नहीं कर, नेसेसिटी भी बोल सकते हो, बेसिकली हम यहाँ पे अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। देखो नेसेसरी गुड्स में या जो लग्जरियस गुड्स हैं उनमें तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा ना, क्योंकि वहां अगर मेडिसिन है तो ऐसा तो है नहीं कि सस्ते मिल रहे तो चार खा लोगे, या महंगे मिल रहे तो नहीं खाएंगे, मरने देंगे अपने पेशेंट को हम। इन एनी हाउ मेडिसिन नेसेसरी है, ना तो आप जबरदस्ती ज्यादा खाओगे और ना ये डिसीजन लोगे कि ना खाएं। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि हम एक नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पहला केस रहा कि प्राइस इंक्रीज हुआ बट उसके बावजूद भी क्वांटिटी कम नहीं हुई क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। दूसरा केस ये रहा कि प्राइस सेम था, प्राइस में कोई हलचल ही नहीं मची, फिर भी क्वांटिटी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इसे हम कहते हैं अपवर्ड या राइट वर्ड शिफ्ट, अपवर्ड या राइट वर्ड शिफ्ट। आगे हमारे पास कहानी आती है, इधर इधर क्या हो रहा है, प्राइस 10 रुपए से 12 रुपए हो गया, चलो 10 रुपए से 9 रुपए हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 100 से 120 हो गई, क्यों? क्योंकि प्राइस, इसमें कोई और फैक्टर नहीं है, प्राइस। तो मतलब ये हमारे पास प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये डिमांड कर्व है, इसका मतलब ये प्राइस पी वन क्यू वन, और जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ गई, क्यू टू हो गई। जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गए। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं डाउनवर्ड, या हम कह सकते हैं राइट वर्ड मूवमेंट। तो इसमें तो ज्यादा कोई कहानी है ही नहीं, ये तो वही है जो तुम पढ़ते आ रहे हो जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। दूसरा केस ले ले, 10 से 15 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 60 पर आ गई,
तो अब क्या हो रहा है, ये डिमांड कर क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, यहाँ क्या हो रहा है प्राइस बढ़ गया, बिल्कुल जी प्राइस बढ़ गया, यानी कि ये P1 था ये Q1 था, प्राइस बढ़ के P2 हो गया, क्वांटिटी कम होके Q2 हो गई, यानी कि पहले कंज्यूमर यहाँ था A पे था अब यहाँ चला गया, इसे हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां हम कह सकते हैं अपवर्ड या लेफ्टवर्ड मूवमेंट। तो जब उसे डिमांड करके प्राइस की वजह से वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कम हो रही है ये एक्सपैंड हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। तो हमें लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कब होगी डिमांड जब प्राइस बढ़ेगा, एक्सपैंड कब होगी जब प्राइस कम होगा, ठीक है। तो ये ड्यू टू प्राइस हो रहा है, समझ में आया। अब इसमें हमने इंक्रीज तो कर लिया, अब डिक्रीज वाला केस करेंगे, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग डिक्रीज वाला केस करते हैं। मतलब क्या प्राइस कम हो और डिमांड भी कम हो जाए? नहीं, उस नॉर्मल गुड्स में कभी नहीं होता, कभी नहीं नॉर्मल गुड्स में कभी। अगर हमारे पे एक्सेस हो गया उस चीज का, कुछ भी हो जाए नॉर्मल गुड्स में कभी नहीं होता। लेकिन इसमें शिफ्ट है, इसमें मूवमेंट है, देखो ना इसमें तो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ। अच्छा उसमें तो पूरा ही शिफ्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास केस आता है कि हमने प्राइस सेम है, ठीक है ना, सेम प्राइस, बट फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, क्योंकि प्राइस सेम है तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्यों चेंज आ रहा है, बट वो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकम कम हो गई, ठीक है। सेम लॉजिक यहां पर कि हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ, अब अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो कायदे से डिमांड बढ़नी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है ना कि प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तो डिमांड नहीं बढ़ी, सेम क्वांटिटी डिमांडेड, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई, ठीक है, समझ में आई लॉजिक। अब इसी लॉजिक को हम डायग्राम पे देखते हैं कि ये हमारा डीडी है डिमांड कर्व ओरिजिनल, ये इधर शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड्स, यानी कि यह हमारा डिक्रीज इन डिमांड है, डिमांड डिक्रीज हो गई ना, तो अभी कैसे वर्क कर रहा है, ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस वन एंड क्वांटिटी वन है, ये प्राइस वन एंड क्वांटिटी वन है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या हो रहा है, पहला केस देखते हैं, सेम प्राइस, सेम प्राइस ए से बी चला गया कम हो गई, ये वाला केस ए टू बी सेम प्राइस पी वन और यहां पे क्वांटिटी ओ क्यू वन से ओ क्यू टू हो गई, ठीक है। इधर अगर हम देखें दूसरे वाला केस कि प्राइस कम हुआ यानी कि क्वांटिटी सेम रहे, ये वाला केस, ए टू सी प्राइस हमारा P1 से P2 पर आ गया लेकिन क्वांटिटी हमारी OQ1 और OQ1 ही है, ये सब हमारा OP1 OP1 ही होता है वैसे, यानी कि ये हमारा हो गया ए टू सी, तो इसे हम डाउनवर्ड या तो डाउनवर्ड कह सकते हैं या लेफ्टवर्ड शिफ्ट,
से डिक्रीज इन डिमांड हो गया, ठीक है? Yes, समझ में आया? तो ये हमारे पास केसेस हैं कि कब डिमांड चेंज इन डिमांड होता है, कब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होती है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आपका जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो चैप्टर फिनिश हो गया है। एक बार आप लोग अपने नोट्स में से, बुक में से अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना और फिर हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशन एंड कमेंट, ठीक है? Thank you.